हे हेलो, गाइस, सॉरी, मजाक हो रही है। वापस हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर एवर। आप देख सकते हो कि सागर मेरी गोदी में आके बैठा है, हाँ, बिकॉज हम लोग को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही थी। प्रॉपर 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 नहीं प्रॉपर प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल रही थी जहाँ पे हम लोग ऐसे लाइट और सब कुछ बराबर हो। तो इसके मैंने लिए पूजा को बोला, तू बैठी है पैर ऊपर करके। मैं बैठू क्या? तू मेरा वजन ले पाएगी? पूजा ने बोला हाँ, अभी उठने के बाद मालूम पड़ेगा, स्ट्रांग है तो ना बहुत ही। या सो गाइस, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिकॉज हम लोग का ट्रैवल प्लान स्टार्ट होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू दिल्ली, यस एज यूजुअल, पूजा की फेवरेट जैसे हम जगह। लोग हर साल अभी जा रहे हैं। एक 2020 बार से जाना ही स्टार्ट है। किया हम लोग ने, 2020 में स्टार्ट किया दिल्ली, 2021 में भी दिल्ली गए, अभी 22 में दिल्ली जा रहे हैं। सो सागर को आके 1 मंथ हुआ है एंड उसके बाद फेस्टिवल्स सब थे, करवा चौथ, दिवाली एंड ऑल दैट, तो हम लोग किधर भी नहीं गए थे, मतलब यही गोवा में सब गए थे। हम लोग का ये बड़ा प्लान है जाने का, घूमने का। सो सिर्फ दिल्ली नहीं जा रहे, उसके आगे भी हम लोग जा रहे हैं, तो वो आपको आगे आगे पता बता चलेगा। देंगे हम। सो आज है नवंबर 5th यस, एंड दिस वीडियो विल बी लाइव मे बी आफ्टर 2-3 months, आई पता डोंट नो नहीं कब कब। आएगा ये सो वीडियो, गाइस कब ये, आएगा लाइव वो हमें पता हाँ नहीं। ये वीडियो कब आएगा मेरे को नहीं पता, बिकॉज ऑलरेडी बैकअप में कुछ कुछ है मेरे पास वीडियोस एंड हम लोग पैकिंग करने जा रहे हैं। अभी शाम के 7 बजे है, सैटरडे है, तो मंडे को हम लोग का ट्रेन है। बाय द वे हम लोग इस बार ट्रेन ट्रेन से से जा जा रहे रहे हैं, हैं। क्योंकि हम लोग ने कहा कि हर टाइम फ्लाइट में जाते हैं ना यार, कभी ट्रेन की भी जर्नी का लुत्फ़ उठाना चाहिए। यस, वैसे तो मैं अभी इस बार मैंगलोर गई थी, ट्रेन से गई थी। सागर तो ट्रेन जर्नी बहुत कम ही करता है, तो मैं सागर भी पहले बोला जाता था था कॉलेज के टाइम में ना। यार, सागर ने बोला चल ट्रेन में जाते हैं इस बार ना, कुछ हाँ, और अलग। ट्रेन अच्छी भी और कम टाइम में पहुँचा भी देगी, इसके हम लोग बोला ट्रेन क्यों ज़्यादा कम ऐसा टाइम में कम, नहीं, जब आपको टाइम मिले, टाइम नहीं मौका मिले कि अगर आप जहाँ पे स्पेंड कम कर सकते हो तो वहाँ पे कम करने का। एंड ऑल्सो सागर को अभी हॉलीडे भी है, हाँ, तो तो हम लोग हम भाई लोग गए भाई नहीं कि ऐसे भाई कुछ फ्लाइट नहीं। से जाए फटाफट। हमें बोले चलो ठीक है, और फ्लाइट का टिकट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक्सपेंसिव गाइस, है, वो तो भी हमने एक बोला रीज़न है, कि उस, और लगेज भी होता है, आप लोग को पता हाँ होगा। लगेज कॉन्स्टेंट भी होता है एंड ट्रेन में तो आप कितना भी लगेज लेके सकते हो, और फ्लाइट का टिकट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो हमने बोला कि उस पैसे में तो पूरा दिल्ली घूम लेंगे यार। प्यारी समझ गई। हाँ वही, और मैं क्या बोल रही थी गाइस, तो चलिए पैकिंग चालू करते हैं एंड आई एम बैग्स सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिल्ली इज माई फेवरेट गो टू प्लेस फॉर तो शॉपिंग। अभी बैग जो जाएंगे वो ऑलमोस्ट खाली जाएंगे, और आएंगे तो भर के आएंगे, भर बट के आएंगे। दिस टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ मार्केट्स, कुछ नए नए मार्केट्स भी मैंने अपने लिस्ट में ऐड किया एंड आई हैव बीन कंटिन्यूअसली वॉचिंग दिस वीडियोस ऑन यूट्यूब। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सागर परेशान हो गया मेरे से, क्योंकि इसने जब से प्लान बनाया हम लोग का तब से वो पहले से ही मेरे को, मैं यस बताने मैं चालू सागर कर को दिया बोल कि यार रही थी, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर मैं जाना सागर है। को बोल रही थी कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, मार्केट वो मार्केट जाना है, ये मार्केट जाना है। सागर इज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद मी, बट उठना पड़ेगा तेरे को, पर क्या करें अभी। सो लेट्स पैक एंड सी कि क्या क्या लेके जाएंगे हम लोग। हाँ, सागर का तो डिसाइडेड है सब कुछ, मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है बिकॉज मैं ज़्यादातर कपड़े वहाँ से खरीदने का सोच रही हूँ, तो लेट्स सी कैसे चलता है। चलिए तो पैकिंग स्टे करते हैं। ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो। सो गाइस ये खुल गया है मेरा सूटकेस, ऑलरेडी मैंने इसमें अपने इंडियन वेयर कुछ कुछ भर के रखा है, और अभी ये सब खाली करना पड़ेगा, उसके बाद जो अभी लेके जाने वाला आइटम है ना वो इसमें भरना पड़ेगा। इसको कार्ट में डाल लेंगे ना, कार्ट खाली हो गया ना, देखते हैं अभी किधर बचता है अभी सामान तो ना, डालना तो पड़ेगा अभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। सो गाइस अभी तक सिर्फ इतना ही पैक हुआ है, ये एक जैकेट है जो मैंने सरोजिनी से लिया था, अभी तक पहना नहीं है, लास्ट ईयर लिया था, एंड ये है एक क्या बोलेंगे नेक पीस है जो अमेजोन से मंगाया था, काफ़ी खूबसूरत है, ये गोवा से लिया है, उसके साथ टॉप भी है, और ये रहा मेरा जीन्स और ये रहा सागर। सागर इतना लेट क्यों हुआ आपको पैक करने के लिए? मैं आराम से देख के सब कर रहा हूँ उसके पहले, तो फिर हर एक कपड़ा ट्राई कर रही है। मैं ऑलरेडी मैंने ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, जितना भी अभी रखा है ना सब कुछ ट्राई किया, एक के ऊपर 10 ट्राई, ये का जींस के दिया अच्छा, इसके ऊपर ये अच्छा। हाँ भाई फालतू का लेके जाके फिर वहाँ पे ऐसा नहीं लगे ना, आराम से बैठ गया था, बोला तेरे को जितना टाइम लेना है तो मुझे मालूम है, वो सब ट्राई करके जाने वाले, पूजा ऐसे नहीं जाती, पूजा तो सब इस्त्री करके आयरन करके सब रेडी है, बस लड़कों का क्या डालो कपड़ा बैग में, बस निकलो, जो मिल जाएगा सुबह उठा वड़ा। नहीं मैं भी डाल सकती हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे जाके अगर मैं बोलूँ कि नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर मेरे को तो मेरे ना खरीदने का ना, नहीं इसके लिए स्पेस चाहिए ना मेरे को, इसके लिए मैं ज़्यादा वो रीज़न की वजह से आई एम ट्राइंग एवरीथिंग कि वहाँ जाके ना। हाँ सो ये जीन्स तो मैं वहाँ से नहीं खरीदने वाली हूँ मोस्टली, तो यहाँ पे एक और जीन्स है, ये भी मैं कैरी करना है, जैसे माई फेवरेट ये वाली जीन्स है, फटी वाली स्टिच करना पड़ेगा, हो गया जोक तेरा मार से के से कुछ भी भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब
कुछ भी अमेजोन से लिया, ये भी गाइस मैंने, काफी अच्छी टिकी टिकाऊ सुंदर जीन्स है ये देखिए। हाँ है तो अच्छी है। ये मैंने ना बड़ा साइज में लिया था जानबूझ के, ताकि वो थोड़ा सा लूज बैठे मेरे पे। फैशन है ना, चलिए करते पैकिंग। तो गाइस ये रही पूजा, और पूजा ने अपने पूरे कपड़े निकाल के फेंक दिए हैं कबर्ड में। समझ नहीं आ रहा है गाइस क्या पकड़ूं क्या। मैं बोल रहा था कि एक 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 निकालने, तो पूजा ने पूरे कपड़े निकाल के फेंक दिए। अटक गए थे तो फेंक दिए पूरे पूजा ने, अभी एक 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 करके रख रही। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं हेल्प करूँ, तो बोले नहीं मेरे कपड़े मैं खुद ही रखूंगी। गुड दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, इंडिपेंडेंट टू बोल देते। देखिए नया नया टॉप देखो, जिसका टैग भी नहीं निकला है वो सब भी दिख रहे हैं, यही होता है। और पूजा अभी बोल रही थी देख मेरे पास इतने ही टॉप्स है, देख पूरा लोगों के कबर्ड फुल। तभी मुंह बंद था बिकॉज़ कोई पता ही नहीं है। नहीं बट अभी ये सब टैग वाले दिख रहे हैं मेरे को, एक ही यहाँ पे ऑलमोस्ट बैग भर गया है। हाँ बैग बाद में लगा है ना, अब देखेंगे उसको वॉश करके हम लोग। तो बैग भर गया ऑलमोस्ट, अभी टॉप्स हो गए ना, और लेने हैं क्या कुछ? हो गया अभी शूज वगैरह कुछ डालेंगे, क्योंकि बैग थोड़ा खाली भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये खाली रहने वाला नहीं है, आने के बाद पूरा भरने वाला है। क्या आपकी टिप्पणी है इस पर ना, जहाँ बैग खाली दिखा पूजा भरते जाएगी ना, अभी उसके हिसाब से शॉपिंग होगी। हाँ पकड़ ले, अच्छा है अभी, क्यूट क्यूट भी है, ये काम आएगा ना। चलो हो गए फाइनल डोनाल्ड डक। सो गाइस ये हो गया मेरा पैकिंग, मतलब अभी 75% हो गया ना सागर। ये देखो ये हो गए है और ऑलमोस्ट फुल हो चुका है वैसे, मेकअप वेकअप का डेली क्रीम वगैरह वो सब भी डालना है। सागर फुल हो गया यार, कहाँ डालेंगे अभी सब, इसमें है ना जगह थोड़ा। एक्चुअली ऐसा तो भरेगा ही बैग थोड़ा, ऐसा थोड़ी नहीं भरेगा। ठीक है तो चलो अभी फिर साग तेरा पैकिंग कब करना है? अभी मैं डाल दूंगा, मेरा तो कपड़े रेडी है। अच्छा हाँ सागर का देखो उधर कपड़े रेडी है जो इससे किए हुए हैं, और ये खाली डब्बा था वो फेंकने वाले हम लोग। हम लोग जब जाएंगे जिस दिन उस दिन फाइनल पैकिंग। सो गाइस ये रहा सागर अपना पैकिंग करते हुए, लोग बोलेंगे सागर तो पूजा का भी पैकिंग कर रहा था बैग, और अभी इसका भी पैकिंग कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं है, मैं कर रही थी अपना पैकिंग गाइस, वो दिख नहीं रहा था क्योंकि मेरे को ही वीडियो निकालना पड़ता ना, तो तब तक पॉज होना पड़ता है। क्या हुआ मेरे कपड़े ज्यादा हो गए थे सागर, तेरे को पता नहीं है, तू कपड़े वहाँ से कुछ लेने नहीं वाला है, बट मैं वहाँ से सरोजिनी सब लूंगी तो मेरे फुल हो जाएंगे। तू तो यही से लेके जाएगा ना, तू तो क्या ही लेगा वहाँ से, स्वेट शर्ट ऐसा कुछ लेगा होगा तो फिर इसके लिए तूने अभी सारे, सागर ने कितने लिए, 12 कपड़े, 12 शर्ट्स, 12-13 कुछ लिए है, और ये एक जैकेट लिया है, और नीचे 3-4 जीन्स लिया है। ये मैंने सागर को गिफ्ट किया था, ये एक हुडी, ये तो मैं ऐसे ही रखूंगा, ये भी इसमें डाल लूं क्या, ट्रेन डाल दे, ट्रेन में जरूरत नहीं पड़ेगा तेरे को, वहां जाके जरूरत पड़ेगी, फालतू का पीछे ज्यादा बोझ मत ले फिर, ट्रेन में तो वैसे भी हो रहा है। हाँ और ये फटाफट दिस वन वो ले ले रहा, बस हो गया क्योंकि ये भी है ना। क्या है येलो वाला? या हे गाइस वी आर बैक, अभी 12 बज गए, हम लोग अभी वॉकिंग करके आए हैं, और आप देख सकते हो कि मैंने अपनी फ्रेश हो गई हूँ मैं, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं वैक्सिंग मेरी हाफ हैंड्स, मतलब तू कर रहे जा रही है। हाँ मतलब सागर वैक्सिंग वाला है, एंड आई एम द कस्टमर, मैं करने जा रहा हूं इसकी वैक्सिंग, ही इज अर्बन क्लैप एंड आई एम द कस्टमर, यू गॉट इट डूड, मैं वही हूं जो निकालूंगा ऐसे, जो पूरी बोलते हैं ना भड़ास निकालेगा वो, ये भड़ास। तो हाफ हैंड्स एंड हाफ लेग्स, हाफ लेग्स भी है सागर, हाफ लेग्स भी है, तूने तो हैंड बोला था सिर्फ। हाँ तो पहले थोड़ी ना बोला जाता है किसी को फंसाने के टाइम पे, सिर्फ आधा न्यूज़ ही देते हैं। सो अभी ये करते हैं, ऐसे ही पतियों को उल्लू बनाया जाता है। ठीक है और कल फिर हम लोग को क्या काम है सागर? कल हाँ नेल पॉलिश भी डालना है मुझे, ये वाली जो न्यूड वाली नेल पॉलिश निकालने वाली, कुछ और डालूंगी, फिर कुछ कुछ हम लोग को बाहर जाना है, कुछ खरीद के भी लेके आना है, एंड फिर आपसे मिलती हूँ थोड़े टाइम में। वैक्सिंग चालू करते हैं, इतना ही है। गोवा जाके ना थोड़ा हाथ टैन हो गया मेरा, इधर देख सकते हो ये बीच वाला पोर्शन जहाँ पे वॉच पहना था ना मैंने, सिर्फ वो एक क्या बोलेंगे गोरा है, बाकी पूरा टैन हो गया मेरा हाथ। ये हम लोगों ने अभी नया लाया, ये पैकिंग स्ट्रिप्स, ये 40 रुपीज के केमिस्ट से लाए थे, इसमें है 50 स्ट्रिप्स, आजाद है।
तो हो गया कई बार। तू लगा, तू ये कर रहे हैं, काम कर, मैं ये लगा रहे हैं। ऊपर से नीचे ना, नीचे से निकला। फिर से कर बस, ज्यादा देर इसको नहीं। लेफ्ट हैंड डन एंड डस्ट इट, कैसा लगा करके? तेरे को कैसा लगा? तेरे को तो कच्ची अभी पुछुक निकाल रहा, अभी चिपची पार्ट लग रही, थोड़ा सा मैं ना इसमें वो ऑयल लगा है, आफ्टर वैक्सिंग वाला ऑयल लगा हूं मैं, थोड़ा सा स्मूथ लगा एकदम मक्खन। अभी लेफ्ट हैंड, अभी लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। आई गाइस, वैक्सिंग सेशन डन, 12:20 हो गया अभी, हाफ लेग्स हाफ हैंड्स डन एंड डस्टेड। अभी हम लोग बिग बॉस देखेंगे, फिर सोने जाएंगे और आपको मिलते हैं कल सुबह। टिल देन बने रहना, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।